बिलौंदा खुर्द के रहने वाले चार युवक हनुमान जयंती पर गुरुवार को नर्मदा स्नान के लिए महेश्वर के पास स्थित सहस्त्र धारा नर्मदा स्नान पर गए थे। शाम 4:30 बजे के दरमियान नहाने के दौरान अचानक एक युवक का पैर फिसला और तेज बहाव में बहकर अचानक गहरे पानी में चला गया। साथ ही परिजन घबरा गए और ढूंढने लगे, लेकिन युवक की देर रात तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र नालछा थाना क्षेत्र के ग्राम बिलौंदा खुर्द के रहने वाले कमलेश पाटीदार उम्र 45 वर्ष अपने परिजनों के साथ नर्मदा स्नान के लिए पहुंचे थे, तभी यह हादसा हो गया। हादसे के बाद देर रात तक गोताखोरों व SDREP टीम ने रेस्क्यू कर दिया था, किंतु सफलता नहीं मिली थी। सुबह 6 बजे से गोताखोरों द्वारा युवक की तलाश की जा रही थी। इधर घटना को करीब 16 घंटे बीत चुके थे। धर्मपुरी विधायक पाचीलाल मेडा प्रतिदिन महेश्वर के समीप स्थित दत्ताश्रम जल कोटी पूजा के लिए जाते हैं एवं नर्मदा स्नान के लिए सहस्त्र धारा में स्नान भी करते हैं। सुबह 10 बजे जब उन्हें युवक के लापता होने की जानकारी मिली तो विधायक ने खुद नर्मदा में छलांग लगा दी। इस जगह बहाव काफी तेज है और विधायक अपनी जान जोखिम में डालकर 300 मीटर अंदर तक चले गए। उनके साथ उनके दो साथियों ने भी तलाश शुरू कर दी। ही देर में गहरे पानी वाले स्थान से लापता युवक का शव पानी से बाहर निकालकर तट पर ले आए। जिस स्थान पर युवक का शव मिला है वहां से शव को वाहन से ले जाना मुश्किल था, इस वजह से पुलिस बल द्वारा मौके पर नाव बुलाकर युवक के शव को नाव में विधायक की उपस्थिति में नर्मदा के दूसरे छोर पर ले जाया गया। जल्दी ले आओ उसको, बताओ ये सामने ले आओ, सीधे सीधे। हाँ, ये